हाय गाइस, मैं हूं पहुंचागढ़ और आप देख रहे हैं दोस्तों अपना चैनल स्मॉल हाउस प्लान। आज हम बताने वाले हैं आपको बहुत ही बेहतरीन प्लान के विषय में, जिसका मैं 2D मैप 3D मैप दोनों दिखाने वाला हूं, जिसका साइज है 14x33, मतलब कि 14x33 स्क्वायर फीट में ये मकान मैंने डिजाइन किया है। और इसी को आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको एक बेडरूम पीछे मिलता है, एक आगे मिलता है, और स्टेयर्स मिलती हैं, लेटरिन बाथरूम कम्बाइंड मिलता है, साथ ही साथ आपको किचन की व्यवस्था भी मिल जाती है। ये सभी चीज़ें आपको ग्राउंड फ्लोर पर मिलती हैं, क्योंकि 14x33 काफ़ी कम एरिया होता है, लेकिन फिर भी मैंने सारी चीज़ें एडजस्ट की हैं। और यहाँ पर आपको फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आप चाहते हैं अगर थोड़ा एरिया तो आप पहला वाला रूम ना डिज़ाइन करें, लेकिन अगर आप एक शॉप या एक गेस्ट रूम चाहते हैं छोटा सा, या उसको हम स्टडी रूम भी बोल सकते हैं, वो चाहते हैं, तो आप फ्रंट वाला जो मैंने रूम डिज़ाइन किया है जो मैं अभी बताऊंगा उसको आप रखें, और सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से कि आपको मैनेज हैं। अगर आपको दो रूम की रिक्वायरमेंट है तो आप दोनों रूम क्रिएट कर सकते हैं ग्राउंड फ्लोर पर। तो उसी को आज हम डिस्कस करेंगे, पूरा 14x33 का हाउस प्लान। और उससे पहले आपसे एक अनाउंसमेंट करना चाहते हैं दोस्तों, मैंने एक पेड सर्विस स्टार्ट की है, आप हमारी पेड सर्विस का भी लाभ ले सकते हैं, जिसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे रखा है दोस्तों, व्हाट्सएप नंबर है मेरा, आप मुझे वहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, लेकिन केवल वही लोग कॉन्टेक्ट करें जो पेड सर्विस का लाभ लेना चाहते हैं। उसका नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा, मुझे वहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। पेड सर्विस का दोस्तों ये फ़ायदा हो तो आपको भी रेस्टोरेंट बनवा सकते हैं, होम डिज़ाइन करवा सकते हैं, स्कूल डिज़ाइन करवा सकते हैं, किसी भी टाइप का आप बिल्डिंग डिज़ाइन करवा सकते हैं, तो आप पेड सर्विस का यूज़ करें। तो चलो, जो आज का टॉपिक है 14x33 उसको हम आपको डिस्कस कर देते हैं। दोस्तों, जिस प्लान के विषय में आज हम चर्चा कर रहे हैं तो वो ये प्लान है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये इसका 3D मॉडल है, मैं इसका 2D भी आपको डिस्कस करूंगा, फिलहाल अभी मैं 3D इसका डिस्कस कर लेता हूँ। जैसा कि मैंने बताया था, इसकी चौड़ाई 14 फिट है और लंबाई 33 फिट है, इसी को हम डिस्कस करेंगे। हमारे एक रिलेटिव हैं, उनके कहने पर इस मॉडल को डिज़ाइन किया है, उनका रिक्वायरमेंट था, वो डिज़ाइन करवाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम इसका ग्राउंड फ्लोर आपको डिस्कस कर देते हैं, जैसा कि मैं हमेशा के तरीके इसका ग्राउंड फ्लोर डिस्कस करता हूँ, मैक्सिमम जूम करता हूँ। फ्रंट में इसका रोड होगा, 3 साइड क्लोज्ड है, और ये एक के विंडो दिया है, ये डोर दिया है। जैसे डोर से एंट्री करते हैं तो सबसे पहले आपको स्टेयर्स मिल जाती हैं, आप स्टेयर्स अंदर से चढ़ेंगे, फिर टर्न होकर फिर अंदर मुड़ जाता है, जिससे आपका नीचे पर्याप्त स्पेस हो जाता है, जिससे आप आसानी से अपने अंदर जा सकते हैं। ये गैलरी की बात करूँ, उसका मैं साइज अभी बताऊँगा टोटल। और फ्रंट में सबसे पहले एक, आप उन्होंने बोला था एक शॉप बना कर दे दी, आप समझ सकते हैं इसे गेस्ट रूम या शॉप जो भी समझना चाहें, इसलिए मैंने एक विंडो दिया है, और इसके लिए इस पर आने के लिए मैंने अंदर से डोर दिया है, जैसे आप आते हैं। इसके बाद ये आपका मिल जाता है दोस्तों लेटरिन और बाथरूम कम्बाइंड। यहाँ पर मैंने यहाँ पर डबल रूफ बनाया है, जिसमें आपका एक स्टोरेज 7 फिट के बाद आपका स्टोरेज बन सके, आप इसे स्टोरेज के रूप में 7 फिट तक आपका रहेगा पूरा लेटरिन और बाथरूम। उसके जस्ट ऊपर 3 फिट, जो अगर आप 10 फिट का ऊंचाई रखते हैं अपने रूप का, तो 3 फिट आपको स्पेस मिल जाएगा जिसमें आप अपना स्टोरेज बना सकते। इसके बाद की बात करें तो सबसे पीछे आपको एक बेडरूम मिल जाता है, अप्रॉक्स 9x13 फिट का काफ़ी लंबा रूम है, लेकिन चौड़ाई थोड़ी सी कम है, क्योंकि इसकी चौड़ाई पूरे घर की ही 14 फिट है, इसलिए आपको ये डोर मिलता है यहाँ से, इस विंडो मिलता है इधर से, मैंने थोड़ा सा कलर कर दिया, और आपको बेडरूम मिलता है। और सबसे पीछे आपको मिल जाती है, ये देखिएगा दोस्तों, किचन जो कि फ्रंट में है, और ये भी मैंने 7 फिट ही बनाया, आप इसे भी स्टोर रूम एक बना सकते हैं 7 फिट के ऊपर, आप चाहते हैं तो आप यहाँ पर एक रूम क्रिएट करवा दें और अपना स्टोर रूम यहाँ बनवा लेते हैं। तो 2 स्टोर रूम मिल जाते हैं, और आपको एक बेडरूम या पीछे और एक फ्रंट में बेडरूम मिल जाता है, ये आपका लेटरिन और बाथरूम कम्बाइंड है, ये किचन है, ये आपकी स्टेयर्स हैं। हालाँकि स्टेयर्स आप यहाँ भी बनवा सकते थे अगर आप चाहते हैं, तो इस तरफ भी आप स्टेयर्स बनवा सकते हैं, फिर आपको डोर अपने गैलरी से रखना पड़ेगा, और स्टेयर्स आप यहां से बनवा सकते हैं, लेकिन वहां पर फिर आपका थोड़ा लेटरिन और बाथरूम के लिए स्पेस कम बचता है, इसलिए मैंने स्टेयर्स आपको यहां पर दिए। आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है, अगर आप यहाँ स्टेयर्स बनवाना चाहते हैं तो यहाँ क्रिएट करें, अगर यहाँ क्रिएट करवाना चाहता तो यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। तो 14x33 का ये ग्राउंड फ्लोर था। तो फर्स्ट फ्लोर पर जैसे आते हैं दोस्तों, बिल्कुल सेम टू सेम आपका पीछे बिल्कुल सेम है, वही आपका किचन है, वही बेडरूम है, ये लेटरिन बाथरूम, और ये आपका ओपन स्पेस जो रूम था, यहाँ पर चीज़ें हटा दी हैं ओपन स्पेस, ये ग्लासेस है, आपको अब समझ में आएगा पूरा नक्शा। और ये देख सकते हैं आपका चारों तरफ बाउंड्री मैंने दिया है, ग्राउंड फ्लोर पर खासा कुछ भी नहीं डिज़ाइन किया दोस्तों, सिर्फ वही है, ये आपका किचन वाला एरिया, ये बेडरूम, ये आपका लेटरिन बाथरूम, और जो फ्रंट में रूम था वो मैंने ओपन कर दिया, आपका बालकनी टाइप का बेहतरीन सा बन जाएगा, और ये आपको स्टेयर्स है। अब हम ले चलते हैं इसके लास्ट फ्लोर पर। तो ये इसका लास्ट फ्लोर है,
मैंने 2.5 फीट का लगभग छज्जा यहाँ निकाला है आगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ये ग्लासेस का डिज़ाइन दिया है मैंने, अगर आप चाहते हैं तो आप भी लगवा सकते हैं। ग्लासेस है जिसमें एक बेहतरीन सा लुक आपका घर का लगने लगता है 14x33 में। अब ये तो इसका 3D मॉडल हो गया, कैसा लगा लाइक ज़रूर कर दें। अब हम इसके डिस्कस करते हैं 2D मॉडल। तो 2D मॉडल के लिए आप जैसे आते हैं, देखिए ये फ्रंट है इसका, आप इसे रोटेट भी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, अन्यथा आप ऐसे देख सकते हैं। ये देखिएगा, मैं आपको रोटेट करके दिखा देता हूँ मैक्सिमम जूम करके। तो ये इसका फ्रंट था जो आप स्टेयर्स देख रहे थे, 4.5 फीट का गैलरी है तो इसमें आप लगभग 4 फीट का ही जीना रखें। इसके बाद ये आपका एक जो फ्रंट का बेडरूम है 8.6x10 का आपका बेडरूम मिल जाता है। किचन आपकी 5.6x9 फीट की मिल जाती है और बेडरूम आपका सबसे पीछे वाला 8.6x13 का आपका एक पीछे बेडरूम, और किचन की बात करें 4.6x10 का किचन मिल जाता है। ये दोस्तों लेटरिन बाथरूम है, यहाँ पर मैं किचन भूल गया था। तो ये इसका जो ग्राउंड फ्लोर था इसका 2D मैप था, और 3D मैप मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूँ, मेरा थंबनेल पर भी आपने 2D मैप ही देखा होगा। तो ये एक 14x33 में एक बेहतरीन सा घर मिल जाता है। तो ये कैसा लगा हमें कमेंट करें। वीडियो का मॉडल यहीं ख़त्म करते हैं, अगर आपका कोई भी रिक्वायर्ड मॉडल है तो हमें कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो हमारा कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर आपका कोई भी रिक्वायर्ड मॉडल है तो हमें आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप पेड मेरी सर्विस का यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। पेड सर्विस में आपको बेनिफिट ये होगा कि जब भी मैं आपको आप कमेंट करेंगे, हमें व्हाट्सअप पर कॉन्टेक्ट करेंगे, आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिलेगा और उसका तुरंत आपसे व्हाट्सअप पर बात की जाएगी या कॉलिंग पर बात की जाएगी, जिससे आप अपनी सर्विस का फ़ायदा जल्दी से उठा सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट और लाइक के जरिए अपना फीडबैक दें, साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। अगर आपने अभी तक इस वाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ साथ दोस्तों हमें आप इंस्टाग्राम ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को आप जरूर फॉलो कर लें, क्योंकि यहाँ पर भी मैं लगातार अपडेटेड वीडियो हाउस प्लान या होम डिज़ाइन से रिलेटेड लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।